हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी फेमस पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी का नाम है मिस्टर एरिक कोहेन। ठीक है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए नहीं है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक कहानी है, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ये शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये मिस्टर एरिक कोहेन कौन थे? जैसे कि हमारे यहाँ पे जो गांधी जी को बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा ही हमारे सुपर हीरो टाइप के मान लीजिए, जैसे अमेरिका में कौन फेमस है अपना मिस्टर आयरन मैन, वैसे ही इसराइल में मिस्टर एरिक कोहेन बहुत ज्यादा फेमस है। ये कौन थे? जैसे हमारे इंडिया में अजीत डोभाल साहब स्पाई है, रहे थे पाकिस्तान में, बहुत ही अच्छे जो कह दो ब्यूरोक्रेट हैं। और वैसे ही ये जो मिस्टर एरिक कोहेन है ये इसराइली स्पाई थे। इनका जो बर्थ जन्म हुआ था 1924 में हुआ था और ये कब तक रहा था, मतलब इनकी डेथ हो गई थी 1965 में, जो डेट थी वो थी मई 18, 1965। ठीक है, सो इन्हें ये इतने फेमस क्यों थे, इनका क्या काम था, ये इन्होंने ऐसे क्या काम किया जो इन्हें इसराइल में आज भी इतना माना जाता है। लगभग 5 डिकेड हो गए हैं, लगभग 5 दशक हो गए हैं, लगभग 56 साल हो गए हैं इनकी डेथ को, लेकिन इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि जिसकी वजह से इनको बड़ा ही सम्मान मिला है, या फिर जो बहुत लोग मानते हैं इसराइल वाले। सो एक्चुअली ये क्या है, ये इसराइली स्पाई थी, जो इनके वाइफ थी उनका नाम था नादिया, इनकी लड़की थी, बेटियां थी सोफिया एंड शाय। ठीक है, ये एक्चुअली जब इसराइल में गए थे तो ये क्या करने गए थे, वहां की जासूसी कैसे करने लगे, ये अपने काम में इतने ज्यादा माहिर थे, ये वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है या फिर वो कह रहा उसका जो चीफ एडवाइजर है, ठीक है, वो उस उपाधि तक ये पहुंच गए थे। तो मतलब आप किसी देश में जा रहे हो जासूसी करने और वहां के आप डिफेंस मिनिस्टर मिनिस्ट्री के अंदर आप एंटर कर गए हो, चीफ एडवाइजर बना दिया गया आपको, वो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने क्या किया, ये डमस्कस में, ये डमस्कस कहां पे आपको पता होना चाहिए, अभी आया है तो ये लोकेशन ध्यान रखना, डमस्कस है सीरिया में। ठीक है, ये सीरिया में है। और जो इनका नाम था, जिस नाम से ये फेमस हुए थे, जो नाम इन्होंने लिया था वो था कामेल अमीन ताबेत, कामेल अमीन ताबेत। और इनकी एक नेटफ्लिक्स पे मिस्टर एरिक कोहेन के ऊपर एक जो वेब सीरीज भी बनी हुई है, जो उसका नाम है वेब सीरीज का द स्पाई। ठीक है, द स्पाई। और जो मिसेस नादिया कह लीजिए, जो नादिया जी है, जो इनके वाइफ है, वो अभी भी इनके इन्होंने एक मूवमेंट चला रखा है लगभग पिछले 5 दशकों से, कि जो ये इनको क्या किया था मैं बताऊंगा आपको। सीरिया में ये पकड़े गए थे और इनको हो गई थी फांसी की सजा। तो ये 18 मई 1965 में इनको हो गई थी फांसी की सजा, इनको लटका दिया था फांसी पे 18 मई 1965 में। और तभी से इन्होंने उनके जो पार्ट्स है बॉडी वाले, जो आप अवशेष कह लो, उनको वापस उनके देश में मंगवाने के लिए बहुत टाइम से ये मूवमेंट चला है। लेकिन आज तक यकीन मानिए, अभी तक कुछ भी जो देश सीरिया से, अभी तक वहां से कुछ भी इसराइल में इनके बॉडी का पार्ट नहीं आया है। तो ये देखिए, जो इसलिए ये नादी है, नादिया जी सॉरी, और सोफी है, ये इनके लड़की भी, ये भी अब इस मूवमेंट को बहुत बड़े पैमाने में चला रहे हैं। और ये इनका जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी टूर ऑफ गोल्डन हाइट्स। तो ये क्या किया था, जो गोल्डन हाइट्स है वो उस टाइम सीरिया में था। ठीक है, सीरिया में एक्चुअली अब ऑक्यूपाई कर लिया इसराइल, कैसे इसराइल ने गोल्डन हाइट्स को जीता, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वहां के जो मिलिट्री में इनके कुछ कनेक्शन थे, इन्होंने ऐसे मतलब इनका काम ही ऐसा था ना, लोगों से मिलना जुलना ताकि वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके। तो इन्होंने जो मिलिट्री में भी एक अच्छे खासे जनरल के भतीजे से इन्होंने फ्रेंडशिप कर रखी थी, दोस्ती कर रखी थी, अच्छी खासी बनती थी, उससे बोला कि चल यार तू मेरे को लेके नहीं जा सकता, कह रहे मैं लेके जा सकता हूँ, क्या तेरे बस की नहीं है, कि चल ठीक है चल। तो उन्होंने लेके गए गोल्डन हाइट्स में। तो वहां पर इन्होंने देखा कि जो सिचुएशंस है, बहुत ज्यादा धूप वगैरह है ना, और वो जो सोल्जर है वो पूरे बॉर्डर्स पे बड़ी सख्ताई है, लेकिन वो ये ना कि जो इसराइल वाले कब्जा नहीं कर पा रहे थे, कैसे कब्जे करेंगे, उन्हें पता ही नहीं कि बैंकर्स कहाँ बने हुए हैं। तो ये गए और वहां पर कहा कि यार यहाँ पे जो सोल्जर्स है उनकी स्थिति बड़ी खराब है इनकी, तो इनके लिए क्या करोगे, थोड़ा पेड़ लगा दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, यूकेलिप्टस के ट्रीज भेजे, बहुत सारे ट्रीज भेजे यूकेलिप्टस के यहाँ पर गोल्डन हाइट्स में। तो वहां पर क्या है, जो ट्री थे उनको कर दिया किसने, इसराइल ने मार, किस तौर पे, भाई साहब जहां तक भी है छाया है तो वहां पर ये तो सैनिक होंगे। तो तब 1967 का जो वॉर है, जो बड़ा फेमस वॉर है, 60 वॉर जिसे बोला जाता है, उसमें इसराइल ने सिर्फ और सिर्फ दो दिन में गोल्डन हाइट को क्या कर लिया था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था और उसे मिला लिया था। तब से ये देखिए, ये जो बाद में इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया गोल्डन हाइट्स को, जो कि सीरिया में था, तो
ये सिर्फ 2 दिन लगे इस चीज को करने में कि किसकी बदौलत कर पाए। ये जो बहुत ही जाने माने जो स्पाई थे जिनका नाम था मिस्टर एली कोहिन, उनके जो इनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था इस चीज में गोल्डन हेयर्स के कैप्चर करने में। तो इन्होंने बहुत सारे किए थे, जैसे कि बिजनेसमैन से इन्होंने दोस्ती वगैरह कर रखी थी, वहां के जो वहां से जो ये इन्फॉर्मेशन भेजते रहते थे, कहाँ पे अपने जो देश में व्यस्त रहते थे। कहते बोला था ऐसे था कि भाई मेरे पापा से मैंने बहुत सुना है कि मैं सीरिया में पैदा हुआ, सीरिया ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, मैं सीरिया को महान बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कर करके सीरिया के अंदर घुसे। और जो एक और लेक है एक्चुअली, लेक तिबेरस जिसको कहते हैं, लेक तिबेरस, ठीक है। ये किस्सा आपको लेक तिबेरस का भी बताता हूँ मैं। लेक तिबेरस एक्चुअली उसको सी ऑफ गैलीलिया भी कहते हैं, ठीक है, सी ऑफ गैलीलिया। और ये एक्चुअली कहाँ है, जब ये सीरिया में था, जब गोलन हाइट्स में था, आपको बता रहा हूँ। तो वहां के जो वहां के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि आप देख रहे हो वहां पे, मतलब उन्होंने पर्टिकुलर वो चीज दिया था देखने के लिए, तो उसमें से वो देख रहे थे, तो वो कह रहे कि आप उस पर गोली चला दो, ठीक है। तो वो बड़ा घबरा गया था कि अपने देश के कैसे उनको मतलब ऊपर गोली चलाऊं। तो वो देख रहा था वहां पे लेक थी, मतलब इसराइल में होगा ना इस तरीके से। तो वो जो लेक तिबेरस है, ये वैसे बॉर्डर पे है सीरिया और इसराइल के बॉर्डर पे है ना। तो ये सी ऑफ, इसे सी ऑफ गलीलिया भी कहते हैं। ये बड़ी फेमस लोकेशन है, देबस्कस है, ये अच्छी लोकेशन है, ठीक है। ये अच्छी लोकेशन इन द सेंस की कहाँ पर है, लोकेशन सीरिया में है। इसराइली स्पाई थे, इनके वाइफ थी नादिया, इनके जो डॉटर्स थी उनका नाम है सोफिया और शाही। अभी भी ये इसके मूवमेंट चला रखे हैं इन्होंने अलग सा, कि उनकी जो बॉडी के पार्ट है उन्हें फिर से अपने देश में लाया जाए, ठीक है। और जो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी गोल्डन हाइट्स वाला जो कैप्चर, 5 साल तक ये एबल रहे थे ना वहां पर, तो बड़ी स्ट्रगल जिंदगी जी रहे थे और ऐसे दिखा रहे थे कि मेरे पे बहुत सारा पैसा है, ठीक है, ताकि उनको कोई शक ना करे। और इन्होंने इतना ज्यादा, इनकी एक और जो बड़ी अचीवमेंट थी वो थी कि जो सीरिया के प्रेसिडेंट के बड़े ही क्लोज फ्रेंड बन गए थे, तभी तो डिफेंस मिनिस्ट्री तक इनकी पहुंच हो गई थी, तभी डिफेंस मिनिस्ट्री तक इनकी पहुंच हो गई थी। ये प्रेसिडेंट के बड़े करीबी थे मिस्टर अली कोहेन, और ये आते रहते थे 6-6 महीने में, ये जाते चले जाते थे अपने वापस देश अपने भाई से मिलने के लिए, ठीक है। तो और यही यहाँ की जो स्पाई में जो नाम आता है ना, जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्पाई है, फिर बहुत ज्यादा जिन्होंने अचीव किया है, उनमें जो मिस्टर अली कोहिन है उनका नाम बड़े ही शान से ले जाता है इसराइल में। वो बहुत ही क्या है, इसराइल में ये बड़े ही ये हीरो है, ठीक है, ये इसराइल में ये हीरो है, ठीक है। डेमस्कस लोकेशन, अगर आप स्टडी पर्पज से देखें तो कौन से लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, डेमस्कस लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। लेक तिबेरस विच इज सी ऑफ गलीलिया, ठीक है। गोलन हाइट्स जो था किसने, सीरिया में था, जिसे कैप्चर किसने किया, इसराइल ने किया। इसराइल ने किया कौन से ईयर में किया, 1967 में जो 6 डे वॉर हुआ था उसमें इसराइल ने इसे कैप्चर कर लिया था। सो दो चार इंटरेस्टिंग बातें मुझे लगी जो आपके साथ शेयर करना चाहता था मैं। सो आई थिंक आपको, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।